नमस्कार, घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि मध्यप्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में आखिर क्या भूचाल आ गया और आने वाले समय में कांग्रेस ही कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर दिखेगी, क्योंकि भाजपा वाले भले ही सरकार गिराने की बात करते हों लेकिन कांग्रेस के ही विधायक और मंत्री कांग्रेस की सरकार गिराने पर तुले हैं। रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती है जिससे ये पता चलता है कि आखिर कांग्रेस की सरकार कहीं न कहीं खतरे में है। आम जनता तक ये कहने लगी है कि आखिर ये सरकार पूरे 5 साल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या कारण है वो आज हम आपको बताते हैं कि आज जो एक नया धमाका हुआ है वो आखिर क्या है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये कह दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे विभागों में हस्तक्षेप कब तक होगा, क्या तरीका है ये, ऐसे सरकार नहीं चल सकती, अब हम अपने विभाग में हस्तक्षेप किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमलनाथ ने भी तत्काल मंत्री तोमर को जवाब दे दिया कि मुझे पता है कि तुम इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो और किसके कहने पे कर रहे हो। कमलनाथ ने सिंधिया का नाम भले ही नहीं लिया लेकिन साफ बात है कि सिंधिया ने ही ये कहने के लिए सब कुछ प्लान किया है। पिछले कुछ दिनों से सिंधिया अपने खास समर्थक मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका पर कहीं न कहीं रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर यहाँ पर सत्ता में अपनी दखलअंदाजी बढ़ाएं। पिछले दिनों कमलनाथ ने एक फार्मूला सौंपा था ताकि निर्दलीय और सपा बसपा विधायकों को मंत्री बनाकर सरकार को स्थायी किया जाए। सरकार को स्थिर करने के लिए कुछ मंत्रियों को हटाने की बात हुई थी, तब ये बात सामने आई कि आखिर कौन मंत्री हटने को तैयार होगा। 30 कैबिनेट मंत्रियों में से तीनों गुट के मंत्रियों में को दो दो पद खोना पड़ेंगे। दिग्विजय सिंह कमलनाथ और ज्योति सिंधिया के दो दो समर्थक मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की बात हुई थी, तब से सिंधिया गुट बहुत ज़्यादा नाराज हैं और इसके पहले भी जब मामला दिग्विजय सिंह का था तब भी सिंधिया समर्थक मंत्री ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारे लिए पब्लिकली दिग्विजय सिंह ने आखिर क्यों बोल दिया। कांग्रेस की सरकार में अपने ही मंत्री अपने ही विधायक रोज बम फोड़ रहे हैं और इन बम की आवाज़ अब आम जनता के कानों तक जाने लगी है। आखिर कब तक कमलनाथ सरकार को लेकर यह संदेश साफ हो पाएगा कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, 5 साल ये सरकार चलेगी। जब सरकार को लेकर ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो फिर आम जनता की योजनाएं कब बनेंगी, कब लोगों को फायदा होगा और आखिर कब भाजपा से अच्छी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.